अगर ये हेट स्पीच नहीं है जो कल सदन के अंदर हुई है तो मैं समझता हूं कि देश में कोई और हेट स्पीच तो हो ही नहीं सकती। निलंबन का इससे ज्यादा बेहतर और बड़ा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता है ओम बिरला जी। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में एक सांसद ने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। क्यों? क्योंकि यहां पर बीएसपी अब मैदान में उतर आई है और यहां पर विपक्षी गठबंधन की ताकत बढ़ने वाली है। ये ताकत तब बढ़ेगी तब बसपा सुप्रीमो मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होगी। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि यहां पर एक मुद्दा ही ऐसा बन गया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने आतंकवादी उग्रवादी मुल्ला है तू तो बैठ जा तुझे तो बाहर देख लूंगा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भरी लोकसभा में किया और इस्तेमाल करते हुए यहां पर बीएसपी के सांसद दानिश अली को कई गालियां दी और गालियां देने के बाद चुप नहीं होते बल्कि कहते हैं कि तुझे तो मैं बाहर देखूंगा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। मर्यादा कहाँ गई? कहाँ गई आपकी पढ़ाई लिखाई और कहाँ गया आपका कैरेक्टर? यहाँ पर दिखाता है कि रमेश बिधूड़ी कई ऐसे विवादित बयानों में पहले भी फंस चुके हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है। एक्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से है। जब तक कोई भी व्यक्ति चाहे नेता हो मंत्री हो सांसद हो अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहेगा तो उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आएगी। यहाँ पर क्या कुछ रमेश बिधूड़ी कहते हुए नजर आ रहे थे देखिए जरा। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ये बता रहा हूँ सर, ये जो सिरे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे, उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक anything wrong अभी रोड पढ़ रहे थे सर, इसरो ने वर्ष 1975 से अब तक 52% जैसे कि रमेश बिधूड़ी को आपने सुना उसके बाद यहाँ पर तमाम लोगों का तांता लग जाता है। तमाम लोग रमेश बिधूड़ी से माफ़ी मांगने की एक तरीके से ट्वीट करते हुए नजर आते हैं। कई ट्वीट नजर आएंगे लेकिन इन तमाम ट्वीट में सबसे ज़्यादा जो चर्चाओं में देखा जाता है वो बसपा सुप्रीमो मायावती का है क्योंकि उनकी ही पार्टी के सांसद को जलील किया गया है। तो अब ऐसे में मायावती का मैदान में उतरना तो लाजमी बन जाता है। ऐसे में देखा जाए तो मायावती का ट्वीट आप स्क्रीन पे भी देख लेंगे और मायावती ने क्या कुछ कहा है वो भी आप जान जाएंगे और किस तरीके से वो ये कहती हुई नजर आ रही है कि इस पूरे मामले पर लोकसभा स्पीकर को कार्यवाही करनी चाहिए, अब यहाँ पर तगड़ा एक्शन लेना चाहिए क्योंकि ऐसे शब्दों को संसद के अंदर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पर रमेश बिधूड़ी ने जो कहा उससे कितने चोट खाए बैठे हुए हैं दानिश अली उसका अंदाजा आप उनके बयानों से लगा सकते हैं कि वो रोने भी लगते हैं और ये कहते हैं कि वो रातों को सो भी नहीं पाए थे जब से ये घटना घटी है। आप सोचिए लगभग 2 दिन से ऊपर हो गया है लेकिन इस पूरे मामले पर सन्नाटा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा की तरफ से देखा जा रहा है और क्या कुछ यहाँ पर दानिश अली मांग करते हुए नजर आ रहे हैं देखिए जरा। तो धमकियां बहुत बार नेताओं ने इनके मंत्रियों ने सबने दी है लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि हम इस देश को अमृत काल में किस तरफ ले जा रहे हैं। आप तो बड़े सॉफ्ट रिसेप्शन हैं, कैसे हो गया सरकमस्टेंसेस क्या बना था क्योंकि आप वहां थे मौजूद? सरकमस्टेंसेस कुछ नहीं था, हम तो चंद्रयान पर चर्चा चल रही थी, देश को गौरव है, हर कोई देश के साइंटिफिक कम्युनिटी को बधाई दे रहा था, हमने भी पार्टिसिपेट किया। जब
बीजेपी के सांसद रमेश विदुड़ी जी बोलने को खड़े हुए तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में कुछ ऐसे अल्फाज यूज किए, खास तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, कि लोग विपक्ष को एड्रेस करते हुए कि कुछ लोग इस देश में ऐसा सोचते हैं कि प्रधानमंत्री जी को डैश 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 बहुत मारा जाएगा। मतलब मैं वो अल्फाज यूज नहीं कर सकता कि ये हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री के को उस रेफरेंस में, वो वीडियो है, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाह रहा, वो उस वीडियो को देखिए। मैंने जो ऑब्जेक्ट किया, मैंने किया कि आप देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जी के बारे में को इस रेफरेंस में नहीं एड्रेस कर सकते, ये अनपार्लियामेंट्री शब्द है। उस पे वो रिएक्ट करके जो भाषण है वो सबके सामने है, क्योंकि सब चीज रिकॉर्ड पे है। किन किन नेताओं ने आपको अब तक कॉल किया, खासकर इंडिया अलायंस की तरफ से, क्योंकि यूनिवर्सली लोग इस कंडेम कर रहे हैं। कौन कंडेम कर रहा है वो वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार के दो पूर्व कैबिनेट कुलीग्स उनके पीछे बैठे हुए हैं और वो हंस रहे हैं ठहाका मार के, जो 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 बहुत अच्छी तरीके से हर्षवर्धन जी दिखाई दे रहे हैं, रविशंकर प्रसाद जी उसमें दिखाई दे रहे हैं खिलखिलाते हुए। नहीं, मतलब ये दानिश अली की के बारे में जो हो रहा है वो कोई, वहां एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से हूं मैं, वहां किसी पार्टी के या उसका नहीं, ये सदन की मर्यादा का उल्लंघन है। और बीजेपी के सांसद वरिष्ठ नेता बैठ के पीछे पेट थपथपा रहे कि बहुत अच्छा तुम बोल रहे हो। रक्षा मंत्री ने इस पे खेद जताया है और इसलिए माफी मांगी, उस पे आप संतुष्ट हैं? उन्होंने सब वार्निंग दी, आपको लगता है वार्निंग काफी है केवल? रक्षा मंत्री जी ने जब हम वहां प्रोटेस्ट करते रहे तब रक्षा मंत्री जी उठे और उन्होंने कहा कि मैंने सुना नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसा कहा है जिससे हमारे विपक्ष के सांसद के को ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। सुना नहीं, रिकॉर्ड पे है, अगर कहा है, क्या है ये? आप विपक्ष के नेता को, लोकसभा में विपक्ष के नेता को यही सरकार मोशन मूव करके जो है सस्पेंड करा देती है, खाली कंपेयर का एक किसी को कंपेयर करने के लिए प्रधानमंत्री जी को किसी भगोड़े के रेफरेंस किया। अभी भी दूसरे हाउस में दो मेंबर सस्पेंड हैं। आप आवाज दबाना चाहते हैं क्योंकि दानिश अली विपक्ष का सांसद होने के नाते सरकार को लगातार जो है टोस पे रखता है, जो 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 मेरा दायित्व है उसको मैं निभाता हूँ और निभाता रहूंगा। आप कह रहे हैं कि अगर सदन में महोदय कार्रवाई नहीं करेंगे सभापति तो आप भरे मन से सदस्यता छोड़ने पर विचार कर रहे हैं, कोई टाइमलाइन है कितने दिन का? नहीं, मैं ऐसे, मतलब अगर मेरे राइट्स वहां प्रोटेक्ट नहीं होंगे, जो आजादी मिली हमें, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके साथियों ने जो संविधान लिखा, अगर उसके तहत चुन के जाने वाले प्रतिनिधियों के साथ सत्ता पक्ष ये करेगा, सत्ता पक्ष का सांसद ये करेगा, तो मेरे पास उस सदन को छोड़ने के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि मैं क्या क्या छोड़ूं? उस सांसद ने तो यह भी कहा कि बाहर निकल देखता हूं, मैं किसके पास जाऊं सुरक्षा के लिए, मैं किसके पास जाऊं प्रोटेक्शन के लिए? मैं, क्योंकि आदरणीय लोकसभा स्पीकर हमारे जो हैं गाइड है, हमारे हमें वो प्रोटेक्ट करते हैं, हमें पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि वो हमारे अख्तियारों को
जो हमारे उनको वो जो है बचाएंगे, वरना कैसे चलेगा। स्पीकर कह रहे हैं कि उन्होंने वार्निंग दी है, कहा जा रहा है कि रमेश भदुड़ी को इस मामले में वार्निंग देके छोड़ा गया है कि अगर आगे ऐसा करते हैं तो कार्रवाई होगी। क्या आश्वासन मुझे कमेंट से वो स्पंज करने के लिए कहा? मुझे मैंने दोनों चीज के लिए चिट्ठी दी है कि जो उन्होंने जो बीजेपी के सांसद ने मेरे बारे में अमर्यादित भाषा का उपयोग किया है सदन में, उसको एक्सपंज किया जाए। मैंने ये भी चिट्ठी रिसीव कराई है और मैंने प्रिविलेज मोशन प्रिविलेज का नोटिस भी दिया है। अब ये आदरणीय स्पीकर साहब का प्रोरोगेटिव है कि वो क्या कार्रवाई करते हैं। टीएमसी की तरफ से दानिश जी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का मामला नहीं है, हेट स्पीच का मामला है, रमेश भदुड़ी को सस्पेंड किया जाए और प्रिविलेज मोशन मूव किया जाए। अगर ये हेट स्पीच नहीं है जो कल सदन के अंदर हुई है तो मैं समझता हूं कि देश में कोई और हेट स्पीच तो हो ही नहीं सकती। जब भाजपा के नेता सांसद लोकसभा के अंदर पार्लियामेंट के अंदर ऐसी हेट स्पीचेस कर सकते हैं तो ग्राउंड पे तो क्या हाल होता होगा, ये पूरा देश और दुनिया देख रहा। मेरी किससे बात हुई है, किससे नहीं बात हुई है, मेरा मोबाइल, मैं किसी से भी बात करने से पहले मैं हमारे जो संरक्षक हैं लोकसभा के स्पीकर, मैं उनसे मिलना चाहता था, उनके पास गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आज दफ्तर नहीं आए। मैं इंतजार करता रहा, मैं अपने पत्र जो है दफ्तर में रिसीव करा करके आ गया। बाकी है कि बीजेपी सदस्य से आपका बार बार टकराव, जरा अभी देखा गया था पिछले कार्यक्रम में जो रेलवे का था उसमें भी आपकी बहस हो गई थी, तोड़फोड़ भी हो गई थी। मैं आज सिर्फ यहीं तक जो लोकसभा में कल हुआ है उस एपिसोड पे केंद्रित रहना चाहता हूं, मैं किसी को कोई एजेंडा नहीं देना चाहता। दानिश अली को आपने सुना, उसके बाद यहां पर एक और बात सामने आती है कि तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ जुड़ रही हैं और एक साथ जुड़ने का मतलब है कि अब यहां पर जांच होनी चाहिए, यहां पर कार्यवाही होनी चाहिए। यहां पर तो मांग ये भी की जा रही है कि अब ऐसे में इनकी संसद सदस्यता रद्द कर दीजिए। ऐसे सांसद को कब तक बर्दाश्त करेंगे जो आज ही नहीं इससे पहले भी कई विवादित बयान दे चुका है। यहां पर मायावती को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं, रमेश भदुड़ी सोनिया गांधी को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं, सोनिया गांधी को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो उनकी हरकत को दिखाता है कि यहां पर शादियों के कुछ महीनों बाद ही बच्चे हो जाते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए जो हम यहां पर बोल भी नहीं सकते ज्यादा। यहां पर एक तरीके से आपको यह बता देते केजरीवाल को किस शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए थे, आतंकवादी उन्हें भी कह दिया गया था, यहां पर दुर्योधन से उनको संबोधित कर दिया गया था। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बार बार करेंगे तो उनके खिलाफ यहां पर कड़ा एक्शन तो लेना पड़ेगा। कड़ा एक्शन यही है कि इस पूरे मामले को लेकर अब याचिका दाखिल करते हुए इस पूरे मामले पर सुनवाई भी हो और अदालती लड़ाई लड़ी भी जाए। लेकिन उससे पहले यहाँ पर क्या कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, अखिलेश यादव समर्थन में क्या कुछ कह रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया क्या कुछ कह रही है, देखिए जरा। दानिश अली जो सांसद हैं वो केवल बहुजन समाज पार्टी के सांसद नहीं है, ये बात मत भूलें आप। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जब गठबंधन था उस समय के वो चुने हुए सांसद हैं, और अगर उनके ऊपर टिप्पणी की गई है तो मानहानि का दावा अगर हो रहा है तो लोकतंत्र का जो मंदिर है, हमें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा और ऐसे लोग जिनकी जुबान इतनी खराब है उनको पूरी उम्र के लिए पाबंदी लग जाएगी कि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो क्या सर मानहानि के दावे को लेकर आप भी कुछ दावा? हमें उम्मीद है कि लोकसभा में जो सांसद बैठे हैं और जो लोगों ने देखा है उसमें कार्रवाई होगी। धन्यवाद। भाजपा सांसद रमेश भदुड़ी ने बसपा के सांसद दानिश अली जी को जो शब्द संसद की कार्यवाही के दौरान कहे वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। उग्रवादी और आतंकवादी तो उसमें शायद सबसे शालीन शब्द था, उनको मुल्ला, भड़वा,
कठुआ ऐसे शब्दों से संबोधित किया गया। और यह बिल्कुल साफ था कि यह शब्द सिर्फ दानिश अली को नहीं, उस पूरे समुदाय के आधार पर कहे जा रहे थे जहां से वो आते हैं। दो आपत्तिजनक बातें थी। जब रमेश बिधूड़ी ये सब बोल रहे थे तो उनके साथ रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन ऐसे अट्टहास लगा रहे थे मानो क्या गजब का चुटकुला सुनाया हो रमेश बिधूड़ी ने। और दूसरी बड़ी आपत्ति यह है कि एक सांसद को दूसरे सांसद ने वो शब्द कहे जो सड़क पर लड़ते हुए लफंगे भी एक दूसरे को ना कहें, और सभापति महोदय ने, लोकसभा के स्पीकर ने सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया। निलंबन का इससे ज्यादा बेहतर और बड़ा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता है ओम बिरला जी। ये तो अग्नि परीक्षा आपकी भी है कि आप कितने वफादार हैं उस कुर्सी के लिए जिस पर आप बैठकर सदन का संचालन करते हैं। आप सदन के सभापति हैं, नजीर बनाइए और ऐसे व्यक्ति को हेट स्पीच बोलने के लिए निकाल बाहर करिए सदन से। बहुत आक्रोश मचा, लोग बहुत परेशान हुए इस बात को सुनकर, और होना लाजमी भी था। कभी नहीं सोचा था कि जो आरएसएस की पुड़िया व्हाट्सएप पर और उनके दफ्तरों में, उनकी शाखाओं में, भाजपा के ऑफिसेज में, भाजपा के नेताओं के घरों पर, उनके दफ्तरों पर होती है, कुछ कुछ टीवी चैनलों पर भी पहुंच गई है, वो भारत के सदन तक पहुंच जाएगी। लेकिन हां, ये नफरत वहां तक पहुंच चुकी है। आरएसएस की फैलाई हुई आग आज भारत के सदन में दहक रही है। तो खैर, लोग अचंभित हुए, मुझे रंच मात्र भी अचंभा नहीं हुआ, क्योंकि ये तो चीजें लोगों ने मोदी जी से सीखी है। जिस देश का प्रधानमंत्री कपड़ों से लोगों को पहचान ले, जिस देश का प्रधानमंत्री ये बोले शमशान कब्रिस्तान, जिस देश का प्रधानमंत्री चुनी हुई सांसद को, एक पार्टी की अध्यक्षा को कांग्रेस की विधवा बताए, एक मां को जर्सी गाय बता दे, उसी से तो ये शब्द सीखे जाएंगे। और मोदी जी ने अच्छी ट्रेनिंग करी है, इसलिए जिनको लगता है कि बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई होगी, लिख कर ले लीजिए, बिधूड़ी का प्रमोशन होगा, पदोन्नति होगी। याद है ना अनुराग गोली मारो ठाकुर ने कैसे नारे लगवाए थे और उसके बाद उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था। तो रमेश बिधूड़ी को भी समझ में आ गया कि भैया मंत्री बनना है तो इस तरह की गलीच बातें करनी पड़ेंगी, और देखिएगा मोदी जी प्रमोशन जरूर करेंगे। तो आज की उम्मीद किससे लगाई जाए? इतना सब कुछ हो गया, प्रबुद्ध एडिटर एंकर इस देश के, जिनको चरण चुंबक कह दो तो मानो आग लग जाती है उनको, बिल्कुल शांत, एक शब्द नहीं। ना शो होगा, ना डिस्कशन होगा, ना एक ट्वीट आएगा। तो आप लोग जो अपने आप को लोकतंत्र का प्रहरी कहकर बड़े बड़े सवाल पूछने का दावा कर रहे थे, बैन करने पर बड़ा आफत आप लोगों ने मचाई, अरे एक ट्वीट तो करिए। भारत के सदन में एक आदमी ने गंदी गालियों का उपयोग किया है। आप 181 महिलाओं को बिठाना चाहते हैं ना उस सदन में 2039 तक, क्या सुनेंगी वो महिलाएं आकर कि ऐसी गंदी गंदी गालियां बोली जाती हैं सदन में। खैर, दानिश अली का परेशान होना लाजमी था। उन्होंने कहा वो रात भर सो नहीं पाए, उनकी दिमाग की नस मानो फट जाएगी। इस नफरत की आग ने हमने अपने एक साथी को खोया है। मुझे याद है राजीव त्यागी जी एक डिबेट करके हटे थे, उनको देशद्रोही तक कहा गया था उस डिबेट में, और उसके बाद उनकी हृदय की गति रुक जाने से मृत्यु हो गई थी। तो दानिश अली की आंखों में जब आंसू देखा तो मन आया कि उनसे कहूं कि आप घबराइए मत, ये देश आपके साथ है। लेकिन उसी में एक रोशनी की उम्मीद जगी, क्योंकि हर बार जब अन्याय होता है तो जिस पर अत्याचार किया जाता है उसके बगल में खड़े भर हो जाना उस अन्याय का प्रतिकार है। और वो काम इस देश में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं। वो यकाएक पहुंच गए दानिश अली के घर, उनको ढांढस बंधाया, गले लगाया और कहा विश्वास रखिए हम साथ मिलकर लड़ेंगे और साथ मिलकर जीतेंगे। नफरत के बाजार में जिस मोहब्बत की दुकान को खोलने की वो बात करते हैं, ये उसका एक उदाहरण है, ये उसका एक प्रमाण है। वो एतबार और उम्मीद जगा देते हैं एक बेहतर कल की, एक उम्मीद जगा देते हैं कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अंत में जाते जाते एक ही बात बोलूंगी कि क्या भारत का सदन अब नफरत, घृणा और गलीचपन का अड्डा बन जाएगा? यह आपने नया सदन बनाया है,
आपके सदन की सारी चकाचौंध एक तरफ मोदी जी, और जो शब्द आपके सांसद ने कहे हैं वो दूसरी तरफ। ये देश मान्यताओं का देश है, मर्यादा का देश है, गरिमा का देश है, न्याय का देश है, गांधी का देश है। सदन में एक सांसद दूसरे सांसद को उसके धर्म के आधार पर ये गाली दे, ये कतई स्वीकार नहीं। अभी भी चुप ही रहिएगा या हृदय से माफ नहीं कर पाइएगा, टेस्ट तो आपका भी है। अब ऐसे में एक मामला उठ रहा है और बसपा सुप्रीमो कार्यवाही की मांग करती है, और कार्यवाही यहां पर इस वजह से कि रमेश बिदूड़ी को बर्खास्त किया जाए, रमेश बिदूड़ी को सस्पेंड किया जाए, रमेश बिदूड़ी की संसद सदस्यता रद्द कर दी जाए, वैसे ही जैसे राहुल गांधी की गई थी, वैसे ही जैसे भरी राज्यसभा से संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया था। ये मांग उठ रही है, अब ऐसे में क्या कार्यवाही होकर रहेगी? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।